Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So guys, we are going to start our PP and DT session from tomorrow onwards, that is of from 1st of August. So all those who are interested in joining PP and DT session can contact us on our Telegram channel. So let's get started with our topic, which is agriculture census. See, why it was in news, jo Ministry of Agriculture and Farmer Welfare hai, unhone launch kiya hai 11th agriculture census, which is from 2021 to 2022. Ye computation jo hai, ye huge benefit laega in a vast and agriculture country like India. What do we need to know about agriculture census? देखो agriculture census हर 5 साल में conduct होता है, जैसे कि हमारी population count होती है, जिसको undertake किया गया now after a delay due to the COVID-19 pandemic. जो पूरा census operation है, उसको 3 phase में conduct किया गया और operational holding को as a statistical unit लिया गया at micro level for data collection. ये एग्रीकल्चर सेंसस डेटा है वो बेस्ड है डेटा कलेक्शन के फॉर्म में इन 3 फेजेस और ये जो डिपार्टमेंट है वो ब्रिंग आउट करेगा डिटेल रिपोर्ट्स एनालाइजिंग ट्रेंड्स ऑन वेरियस पैरामीटर्स एट ऑल इंडिया एंड स्टेट यूटी लेवल डिस्ट्रिक्ट तहसील लेवल रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट्स एंड यूटीज. एग्रीकल्चर सेंसस जो है वो मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ऑन अ वेराइटी ऑफ एग्रीकल्चर पैरामीटर्स एट अ रिलेटिवली मिनट लेवल सच एज द नंबर एंड एरिया ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग देयर साइज क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन लैंड यूज टेनेंसी एंड क्रॉपिंग पैटर्न. 11 सेंसस की बात करें जो फील्ड है वो वर्क करता है एग्रीकल्चर सेंसस का विल स्टार्ट इन ऑगस्ट 2022. ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि डेटा को कलेक्ट किया जाएगा फॉर एग्रीकल्चर सेंसस स्मार्टफोन्स पे और टेबलेट्स पे सो दैट डेटा टाइम पे अवेलेबल हो. इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होने वाली हैं? देखो डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स का यूज़ होगा लाइक यू नो लैंड टाइटल रिकॉर्ड्स एंड सर्वे रिपोर्ट्स. कलेक्शन होगी डेटा की थ्रू ऐप सॉफ्टवेयर यूजिंग स्मार्टफोन टैबलेट. कंप्लीट एन्यूमरेशन होगे सारे विलेजेस की इन स्टेट विद नॉन लैंड रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग फेज वन एज डन इन स्टेट्स हैविंग लैंड रिकॉर्ड्स. रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रोसेसिंग होगी. मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जो हैं वो उन्होंने अपने लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज किया है और सर्वेस को भी जो फर्दर एक्सेलरेट करेंगे कलेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर सेंसस डेटा. ये जो यूज है ना डिजिटाइज लैंड रिकॉर्ड्स का और यूज ऑफ मोबाइल एप्स का फॉर डेटा कलेक्शन वो एनेबल करेगा क्रिएशन ऑफ डेटाबेस ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग इन द कंट्री. क्या मतलब होता है डिजिटल एग्रीकल्चर का? देखो डिजिटल एग्रीकल्चर एक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है और डेटा इकोसिस्टम है जो सपोर्ट करेगा डेवलपमेंट एंड डिलीवरी ऑफ टाइमली टारगेटेड इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज को जो फार्मिंग को प्रॉफिटेबल बनाएगी और सस्टेनेबल बनाएगी वाइल डिलीवरिंग सेफ न्यूट्रिशियस एंड अफोर्डेबल फूड फॉर ऑल. अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी एक रेंज ऑफ टूल्स है जिसमें ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स आती है जो आफ्टर लिविंग ऑल्टर करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म और पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म को और उनके प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई करती है प्लांट्स और एनिमल्स को इम्प्रूव करती है डेवलप करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को फॉर स्पेसिफिक एग्रीकल्चर यूजेस. प्रीशियस एग्रीकल्चर एक अप्रोच है जहाँ पे इनपुट्स को यूटिलाइज किया जाता है इन प्रीशियस अमाउंट्स टू गेट इंक्रीज्ड एवरेज यील्ड. कंपेयर किया जाता है ट्रेडिशनल कल्टीवेशन टेक्निक्स के साथ सच एज एग्रो फॉरेस्ट्री इंटरक्रॉपिंग क्रॉप रोटेशन एट्सेट्रा और ये बेस्ड है ICT के ऊपर. डिजिटल एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर डेटा मेजरमेंट वुड बी यूज वेदर मॉनिटरिंग के लिए रोबोटिक्स ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए. इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? फार्म मशीनरी ऑटोमेशन जिसका मतलब है फाइन ट्यूनिंग होगी इनपुट्स एंड रिड्यूस किया जाएगा डिमांड फॉर मैनुअल लेबर. रिमोट सेटेलाइट डेटा देखो रिमोट सेटेलाइट डेटा एंड इन सीटू सेंसर्स जो है वो एक्यूरेसी को इम्प्रूव करेंगे रिड्यूस करेंगे कॉस्ट ऑफ मॉनिटरिंग क्रॉप ग्रोथ और क्वालिटी ऑफ लैंड और वाटर. फ्रीली अवेलेबल एंड हाई क्वालिटी सेटेलाइट इमेजरी ड्रामेटिकली क्या करेगी रिड्यूस करेगी कॉस्ट ऑफ मॉनिटरिंग मेनी एग्रीकल्चर एक्टिविटी और ये गवर्नमेंट को जो है मोर टारगेटेड पॉलिसीज की तरफ मूव करने में हेल्प करेगी जो कि यू नो पिनलाइज की जाती है फार्मर्स के द्वारा बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड इन्वायरमेंटल आउटकम्स. ट्रेसिबिलिटी टेक्नोलॉजीज एंड डिजिटल लॉजिस्टिक ये सर्विसेज ऑफर करेगी पोटेंशियल टू स्ट्रीमलाइन एग्री फूड सप्लाई चेन वाइल ऑल्सो प्रोवाइडिंग ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन फॉर कंज्यूमर.
एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस की बात करें, इन एडिशन टू मॉनिटरिंग कंप्लायंस विद एनवायरमेंटल पॉलिसीज, डिजिटल टेक्नोलॉजीज इनेबल करेगी ऑटोमेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सपैंडेड गवर्नमेंट सर्विसेज सच एज रिलेशन टू एक्सटेंशन और एडवाइजरी सर्विसेज, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। इस टेक्नोलॉजी को यूज करके डेटा रिलेटेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ लैंड होल्डिंग कैन बी एप्रोप्रिएटली टैग एंड डिजिटलाइज। इट विल नॉट ओनली हेल्प बेटर टारगेटिंग बट ये क्वांटम ऑफ लैंड डिस्प्यूट्स जो है कोर्ट में उनको भी रिड्यूस करेगी। क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा फॉर डिजिटल एग्रीकल्चर? एग्री स्टैक, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो है इन्वॉल्व है, ठीक है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, जिसमें 2021 से 25 तक गवर्नमेंट ऐसे प्रोजेक्ट लेके आएगी, न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स एंड रोबोट्स को यूज़ करेगी। यूनिफाइड फार्मर सर्विसेज प्लेटफॉर्म एक कॉम्बिनेशन है कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा, एप्लीकेशन और टूल का, जो इनेबल करेगा सीमलेस इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ वेरियस पब्लिक एंड प्राइवेट आईटी सिस्टम इन द एग्रीकल्चर इकोसिस्टम अक्रॉस द कंट्री। ओके, यू कैन रीड दीज बाय यू नो पॉजिंग द वीडियो। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया था 2010 में इन 7 पायलट स्टेट, जिसका एम है अचीव करना रैपिड डेवलपमेंट इन इंडिया थ्रू यूज ऑफ आईसीटी फॉर टाइमली एक्सेस टू एग्रीकल्चर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टू फार्मर्स। 2014 से 15 के बीच में स्कीम को फर्दर एक्सटेंड किया गया था फॉर ऑल द रिमेनिंग स्टेट्स एंड टू यूटीज। दूसरे डिजिटल इनिशिएटिव है किसान कॉल सेंटर, किसान सुविधा ऐप, एग्री मार्केट ऐप, सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल। व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड टू ऑल दिस? सी, पॉलिसी मेकर्स को यू नो पोटेंशियल बेनिफिट्स की जरूरत है, कॉस्ट, रिस्क, इन सबको कंसीडर करके चले और अंडरस्टैंड करे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं टेक्नोलॉजी को अपटेक करने में, और इंटरवेंशंस को यू नो रिमूव किया जाना चाहिए। डेटा एफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहिए डिजिटल एलिवेशन मॉडल के थ्रू, डिजिटल टॉपोग्राफी के थ्रू, लैंड यूज एंड लैंड कवर सॉइल मैप के थ्रू। सो गाइज, दैट वॉज ऑल। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट, डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल SSP Success। थैंक यू गाइज।